इंडो कैनेडियन रैपर, सिंगर और पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में फेमस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एपी ढिल्लों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के वैंकूवर में उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य रोहित गोदारा नाम के शख्स ने कथित तौर पर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह ढिल्लों, जिन्हें एपी ढिल्लों के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय इंडो कैनेडियन रैपर है। यह हमला एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी जारी करने के कुछ सप्ताह बाद हुआ। उनके पंजाबी गाने अक्सर इंटरनेट पर धूम मचा देते हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित धमकी भरे मैसेज में दावा किया गया है कि 1 सितंबर की रात को गिरोह ने कनाडा में दो जगहों पर गोलीबारी की योजना बनाई थी, एक विक्टोरिया द्वीप पर और दूसरा वुडब्रिज टोरंटो में। गैंग ने बॉलीवुड फिल्म एक्टर सलमान खान के साथ उनके कथित संबंधों का हवाला देते हुए एपी ढिल्लों को धमकी भी दी और चेतावनी दी है कि वे अपनी हद में रहें, नहीं तो उन्हें कुत्ते की मौत मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की तरफ से हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट किया गया है, जिसमें सलमान खान का भी जिक्र है। उनसे नजदीकियों के कारण ही गोलीबारी की गई है। एपी ढिल्लों का पूरा नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों है। वह मौजूदा वक्त में पंजाबी गानों में सबसे नामचीन सिंगर हैं। एपी ढिल्लों के फैंस में जानवी कपूर, अनन्या पांडे से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं। हाल ही में उन्होंने सलमान खान और संजय दत्त के साथ गाना ओल्ड मनी भी रिलीज किया था। इंडो कैनेडियन रैपर और सिंगर एपी ढिल्लों के अब तक 5 सोलो सॉन्ग्स यूके एशियन और पंजाबी चार्ट में टॉप पर रहे हैं, जबकि मझैल और ब्राउन मुंडे को बिलबोर्ड चार्ट में टॉप पर जगह मिली। इस बीच कनाडाई एजेंसियां इस पोस्ट की प्रमाणिकता और गोलीबारी से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल और पंजाबी सिंगर करण औजला के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है। दोनों घटनाओं का आरोप गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर है। ये दोनों घटनाएं कनाडा में हुई।